मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, योग किया, सीएम धामी से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता रवि कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, आज जागेश्वर में आप आए हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जगह भी है और काफी भव्य योग भी रहा यहाँ। ये बहुत ही हमारा पौराणिक और धार्मिक स्थान है और इसकी महिमा का उल्लेख स्कंद पुराण से लेकर सारे ग्रंथों में है और इसको हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नौ रत्न हमको उत्तराखंड को विकास के दिए हैं उसमें से एक रत्न जो है मानसखंड मंदिर माला मिशन है। उस मंदिर माला मिशन के अंतर्गत इस पूरे क्षेत्र को एक मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा, उसके लिए सारी कार्य योजना बन गई है। जल्दी ही ये स्थान भारत का विश्व प्रसिद्ध स्थान होगा, दुनिया का विश्व प्रसिद्ध स्थान होगा। उसके लिए यहाँ पर सारी सड़कों का चौड़ीकरण होगा, यहाँ पर जो हमारे भवन हैं उनका नवीनीकरण होगा, यहाँ पर हेलीपैड इत्यादि और नए मार्ग यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए एक ये बहुत बड़ा केंद्र होगा और आने वाले समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे और उनके आने के लिए, जाने के लिए, उनके दर्शन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हो, आगमन उनका आसान हो, उसके लिहाज से सारा मास्टर प्लान बनाया गया है। उस पर जल्दी ही काम होगा, बाबा जागेश्वर की कृपा से ये काम होगा। आज ये विश्व योग दिवस है, मैं सभी को आज बाबा की इस धरती से सबको विश्व योग दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। पूरे उत्तराखंड के अंदर हम आज पूरे जगह जगह पर योग मनाया जा रहा है और हम लोगों को आज का दिन बड़ा गौरवान्वित करने वाला दिन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज अमेरिका में जो है वाशिंगटन में जाकर योग कर रहे हैं और पूरी दुनिया आज योग को अपना रही है, योग कर रही है। 175 देश आज योग को अपना रहे हैं, यह हम सबको गौरवान्वित करने वाला है और उनके रूप में हर एक भारतवासी आज उनके जिस प्रकार से उनका जहाँ पर मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, तो हर भारतवासी अपना मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में दे। सैग निशान चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, जागेश्वर, अल्मोड़ा। आइए अब आपको योग दिवस की 8 तस्वीरें दिखाते हैं। अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया तो वहीं बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में भी योग करती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। टिहरी में योग दिवस में जिले के सभी अधिकारी नई टिहरी में योग करते नजर आए। इसके साथ भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने भी योग किया। मसूरी की तस्वीरें भी देखिए आप। मसूरी में योग दिवस के मौके पर टाउन हॉल में खास कार्यक्रम रखा गया, लोगों ने योगाभ्यास किया। उत्तरकाशी में डीएम अभिषेक रोहेला ने योग किया, तहसील के सैकड़ों कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। रुड़की की आप बात करें तो यहाँ भी नेहरू स्टेडियम में लोगों ने योग किया, योग का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आईपीएल खिलाड़ी आकाश मधवाल और विधायक प्रदीप बत्रा के साथ हजारों लोगों ने योग का अभ्यास किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।